उद्धव ठाकरे की सरकार बचेगी या जाएगी, इस पर सस्पेंस कायम है। शिवसेना के बागी नेता दावा कर रहे हैं कि असली शिवसेना उनका ही गुट है। दूसरी ओर उद्धव ठाकरे और संजय राउत दावा कर रहे हैं कि बागी नेताओं की संख्या उतनी ही है जितना बताया जा रहा है, इसलिए शिवसेना सिर्फ और सिर्फ उन्हीं की पार्टी है। इस बीच भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के बीच भी बैठकों का सिलसिला बढ़ गया है। सूत्रों की माने तो भाजपा और शिवसेना के बागी गुट के बीच डील अंतिम चरण में है। इसके अनुसार एकनाथ शिंदे को उप मुख्यमंत्री पद दिया जा सकता है। महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे की सरकार बचेगी या जाएगी, इस पर सस्पेंस कायम है। शिवसेना के बागी नेता दावा कर रहे हैं कि असली शिवसेना उनका ही गुट है। दूसरी ओर उद्धव ठाकरे और संजय राउत दावा कर रहे हैं कि बागी नेताओं की संख्या उतनी ही है जितना बताया जा रहा है, इसलिए शिवसेना सिर्फ और सिर्फ उनकी ही है। इस बीच भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के बीच भी बैठकों का सिलसिला बढ़ गया है। सूत्रों की माने तो भाजपा और शिवसेना के बागी गुट के बीच डील अंतिम चरण में है। इसके अनुसार एकनाथ शिंदे को उप मुख्यमंत्री पद दिया जा सकता है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक देवेंद्र फडणवीस इस वक्त नई दिल्ली में हैं। सूत्रों के अनुसार उन्होंने गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की है। इसके बाद उनकी मुलाकात भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा से हुई। ऐसा कहा जा रहा है कि उन्होंने सभी विकल्पों पर विचार किया है। इनमें एक विकल्प महाराष्ट्र में सरकार बनाने का है। इसका नेतृत्व देवेंद्र फडणवीस खुद करेंगे, जबकि एकनाथ शिंदे को डिप्टी सीएम का पद दिया जाएगा। सूत्रों के अनुसार शिंदे गुट के 8 विधायकों को मंत्री पद दिया जा सकता है। मीडिया में शिंदे गुट के इन विधायकों के मंत्री बनने की अटकलें तेज है। ये नाम है सरकार बनने की सूरत में शिंदे गुट के संभावित मंत्रियों की लिस्ट। एकनाथ शिंदे, दादा भुसे, दीपक केसरकर, गुलाबराव पाटिल, संदीपन भूमरे, उदय सामंत, शंभुराज देसाई, अब्दुल सत्तार, राजेंद्र पाटिल, बच्चू कड़ू, प्रकाश आबिदकर, संजय रेमुलकर और संजय शिरसाट। इससे अलग सूत्रों ने बताया है कि शिंदे के गुट के 28 विधायकों को सरकार में एडजस्ट किया जा सकता है।